हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि RFT को कैसे यूज किया जा सकता है और आप जो है अपने कंपटीशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो और लो कंपटीशन कीवर्ड और हाई CPC वाला कीवर्ड आप कैसे ढूंढ सकते हो और जो है अपना साइट आप कैसे रैंक करवा सकते हो। तो मैं आज आपको ये दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और RFT को ओपन करने के बाद हम लोग आएंगे सीधा इधर साइट एक्सप्लोरर में। साइट एक्सप्लोरर में आने के बाद आपको यहाँ पे, ठीक है, जो भी कोई साइट है, फॉर एग्जांपल ये एक साइट है, तो ये साइट अभी क्यों रैंक कर रहा है फ्रेंड्स? ये एक फेमस साइट है इंडिया का, ठीक है, और ये साइट क्यों रैंक कर रहा है और किस कीवर्ड की मदद से ये साइट रैंक कर रहा है, मैं आज आपको ये दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये देखो, ये जो है naukrigirl.com, ये साइट अभी क्यों रैंक कर रहा है यहाँ पे एक बार देख लो। ठीक है, ये है आरिफ का रैंक है। ठीक है, ये है बैकलिंक्स, ये है रेफरेंस डोमेन्स, ऑर्गेनिक कीवर्ड, ये है ट्रैफिक। 1 मंथ में 1.0 मिलियन ट्रैफिक जो है ये साइट को मिल जाता है। ठीक है, तो आप ये टूल है SEO टूल, तो ये टूल की मदद से आप जो है अपना साइट में ऐसे ही कीवर्ड फाइंड आउट करके आप जो है रैंक कर सकते हो और इतना जो है ट्रैफिक आप ला सकते हो। ठीक है, और इस साइट का जो है ये इनकम होता है इतना, ठीक है, 2,46,000 ये साइट का इनकम होता है फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये साइट अभी क्यों रैंक कर रहा है और किस कीवर्ड की मदद से जो है ये साइट अभी रैंक कर रहा है। ठीक है, ये टूल को खोलेंगे, ठीक है, पेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है ना। सर्च करने के बाद हम लोग आएंगे सीधा ऑर्गेनिक कीवर्ड पे। ठीक है, लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ये ऑर्गेनिक कीवर्ड मिल जाएगा। सर्च कीजिए इसको पहले और आपको ये पता चलेगा, ये टूल जो है सब कुछ शो करेगा कि ये साइट क्यों रैंक कर रहा है, किस कीवर्ड की मदद से ये साइट रैंक करता है और किसी साइट में बैकलिंक वगैरह है कि नहीं। तो आप ये टूल की मदद से जो है आप अपने साइट को रैंक कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ऑर्गेनिक कीवर्ड, मतलब ये साइट ये सब कीवर्ड के लिए भी रैंक कर रहा है। ठीक है, नीचे आएंगे थोड़ा, ये देखिए, ये जो है सारा कीवर्ड की मदद से ये साइट रैंक करता है। तो फ्रेंड्स, ये टूल की मदद से जो है आप जो है सारा कुछ फाइंड आउट कर सकते हो और जो है अपने साइट को भी रैंक कर सकते हो। ऐसे ही अपना कंपटीशन वाला साइट ढूंढ के आप ऐसे ही अपने वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया एक वेबसाइट। ठीक है, सर्च कर लेते हैं विकिपीडिया। फ्रेंड्स, ये देखो विकिपीडिया क्यों रैंक करता है और किस कीवर्ड की मदद से ये जो है विकिपीडिया रैंक करता है। और सबसे पहले ये टूल जो है आपको ये दिखाएगा कि विकिपीडिया का इनकम कितना होता है। ये देखो 2.1 मिलियन, मतलब 20 लाख मिलियन डॉलर, बहुत होता है फ्रेंड्स। ये टूल की मदद से आप जो है अपना साइट भी रैंक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आएंगे और ये जो है विकिपीडिया क्यों रैंक करता है, किस कीवर्ड की मदद से विकिपीडिया इतना टॉप पेज पे रैंक करता है, ये जो है टूल आपको ये दिखाएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो है विकिपीडिया इन सब कीवर्ड की वजह से रैंक करता है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी साइट खरीदते हो और अगर आप ये कीवर्ड को कॉपी करके आप अपने साइट पे पेस्ट करते हो और कोई भी कंटेंट अगर आप इन सब कीवर्ड को लेके लिखते हो, तो फ्रेंड्स आपका जो है साइट वो रैंक कर जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप कर सकते हो और जो है अपने साइट को रैंक कर सकते हो। बस ये कीवर्ड जो है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा कीवर्ड है, तो इस कीवर्ड की मदद से जो है आप अपना साइट रैंक कर सकते हो। फ्रेंड्स, नीचे मेरा फोन नंबर रहेगा, तो अगर आप ये टूल मुझसे खरीदना चाहते हो तो आप मुझे बोल सकते हो। ठीक है, और बस फ्रेंड्स यही था आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड बस फ्रेंड्स यही था, एंड यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।